ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान सामने आ गया है, सुभाषपा देगी द्रौपदी मुर्मू कोर्ट। राजभर ने बताया अमित शाह का मुझे फोन आया था, अखिलेश जी ने मेरी जरूरत नहीं समझी, आगे कहा कि मैं तो इंतजार करता रह गया। वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम समाज के निचले तबके विकास के लिए काम करते रहेंगे, ऐसे में हमारी पार्टी के सभी 6 विधायक द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम समाज के निचले तबके के विकास के लिए काम करते रहेंगे, ऐसे में हमारी पार्टी के सभी 6 विधायक द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे। आगे ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह ने मुझसे द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कही। जब गृह मंत्री मुझसे ये बात कह रहे थे जबकि मेरी औकात उनके सामने कुछ भी नहीं है, ऐसे में हमने द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन देने का फैसला किया है। उन्होंने अखिलेश यादव पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें मेरे वोटों की जरूरत नहीं है, मैं तो उनका इंतजार करता रहा लेकिन उन्हें मेरे समर्थन की जरूरत नहीं है। ऐसे में राजभर ने सपा के साथ रिश्तों पर कहा कि हमने उन्हें जनता के बीच जाकर मेहनत करने की सलाह दी, लेकिन हम निचले तबके से आते हैं, ऐसे में हमारी सलाह से बड़े लोगों को दिक्कत होती है, तो आगे से हम कोई सलाह नहीं देंगे। वहीं राजभर से सवाल हुआ कि सपा के साथ गठबंधन में अभी रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम सपा के साथ गठबंधन में अभी तो हैं और जब तक अखिलेश यादव रहेंगे तब तक गठबंधन में रहेंगे, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में हमारा समर्थन आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मिलेगा। वहीं सपा द्वारा फार्चुनर गिफ्ट देने पर राजभर ने कहा कि मुझे सपा ने कोई फार्चुनर नहीं दिया है, मेरे पास 2 इनोवा है, उसी से चलता हूं, मेरे पास कोई फार्चुनर नहीं है और न ही कभी फार्चुनर से मैं चला हूं, क्योंकि फार्चुनर कमर तोड़ देती है। आगे सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव अपने 9 रत्नों से घिरे हुए हैं, उनके 9 रत्न अपना बूथ भी नहीं जिता सकते हैं, उनके 9 रत्न लोगों के बीच ग्राउंड पर नहीं जाते हैं, मुझे उनकी सलाह की जरूरत नहीं है, मेरी अपनी पार्टी है। ऐसे में सपा के तरफ से दावा किया गया है कि पार्टी के तरफ से ओम प्रकाश राजभर को तोहफे में फार्चुनर कार गिफ्ट की गई थी जो कि समाजवादी पार्टी के सचिव के नाम पर रजिस्टर है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर के एसी वाले बयान पर सपा ने पलटवार करते हुए कहा कि राजभर खुद पार्टी की दी हुई एसी कार में चलते हैं और दूसरों को नसीहत देते हैं। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने सपा के बयान पर कहा कि सपा की तरफ से पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को कोई फार्चुनर कार नहीं दी गई है, जबकि ओम प्रकाश राजभर अपनी इनोवा कार से चलते हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने इसी साल शुरुआत में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में एक साथ ताल ठोकी थी, लेकिन अब दोनों दलों के बीच रिश्तों में खटास नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भीमराज दस्तक।